request Professor Keshav Sharma, Vice Chancellor, the ICFAI University, Himachal Pradesh, for the industry presentation. I will take uh, one minute less than the time which has been allocated to me. The pedagogical innovations in education. But ट्रिकी टॉपिक है और बड़ा पवित्रता वाला इशू है और बड़ा कमिटमेंट वाला इशू है तो कोई ये सोचे कि कोई एजुकेशन के ऊपर कोई अथॉरिटेटिव बात कर सकता है तो एक अथॉरिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है लेकिन वो एब्सल्यूट नहीं हो सकता है बेसिक फिगर्स तो हैं ही हमारे पास कि हिंदुस्तान में चौदह हज़ार कॉलेज़ हैं आठ है, 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 से नौ हज़ार सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं एक हज़ार यूनिवर्सिटीज़ हैं कोई पंद्रह लाख के करीब स्कूल्स हैं और तकरीबन सताईस से अट्ठाईस करोड़ स्टूडेंट्स हैं इंडिया में और उसका नंबर बढ़ रहा है और क्योंकि नंबर बढ़ रहा है और जो मौजूदा नंबर है वो भी बहुत बड़ा है तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फ़ैसिलिटीज़ जिन जिस जिन मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज की हम बात करते हैं वो शायद उनको मुश्किल होगा वो लाना तो ऑनलाइन और जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसकी इंटरवेंशन की ज़रूरत है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन की इस करके भी ज़रूरत है कि पिन पॉइंटेड लर्निंग करनी है और मशीन लर्निंग होनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होनी है डेटा ड्रिवन मार्केटिंग होनी है प्रेडिक्टिव बिहेवियरल एनालिसिस होना है ये भी एक दूसरी बात है जो कि इस पूरी प्रोसेस में हम अप्रीशिएट करते हैं कस्टमाइजेशन भी होगी एजुकेशन education की एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से नॉन एकेडमिक और वोकेशनल कोर्सेज की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं और डिमांड भी बहुत बड़ी है जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के इश्यूज हैं इस टाइम पूरी दुनिया में कोई चार बिलियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ग्लोबली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में इनवाइट हुई है और इंडिया में ये तकरीबन 700 से 800 मिलियन यूएस डॉलर्स था 2021 में और ये शायद 30 बिलियन डॉलर्स हो जाएगा अगले 10 साल में इसमें बाइजूस बहुत बड़ा प्लेयर रहा है और उसके 15 मिलियन डॉलर्स का इस टाइम वो प्लेयर है और बाकी एड्यू टेक्नोलॉजी जो प्लेयर्स हैं एकेडमी अपग्रेड वेदांतु वो भी अपना रोल अदा कर रहे हैं शेड्यूलिंग हो रही है सॉफ्टवेयर की ताकि बच्चे अपना बुक करें स्टडी रूम स्टैंडर्डाइजेशन सॉफ्टवेयर की हो रही है ताकि फैकल्टी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बच्चों को ला सके और फाइनेंशियली भी ज़्यादा एक्सेसिबल है बिकॉज ऑपरेशनल कॉस्ट जो हैं वो कम हो रही हैं और जस्टिस और इक्विटी के इंटरेस्ट में भी ये जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है ये ब्रॉडन कर रही है एक्सेस जो एजुकेशनल रिसोर्स की है और ज़्यादा डाइवर्स और रिच एजुकेशनल एक्सपीरियंस हो रहा है ये सारी बातें ठीक हैं पर वो जो एक बच्चे की रूह तक पहुँचने की ज़िम्मेवारी है वो शायद वो जिम्मेवारी हम निभा पा रहे हैं कि हम नहीं निभा पा रहे हैं क्योंकि जो हमारा गांव वाला अध्यापक होता था यहाँ पे एक मन्ना साहब ने बहुत अच्छी बात की और मुझे वो छुई। तो वो जो हमारा गांव वाला टीचर होता था बैठते थे हम आसमान के नीचे जो मलबरी ट्री होता था उसके नीचे और वो हमारे उंगलियों में पेंसिल भी डालता था डांट भी पड़ती थी और सब कुछ होता था पर वो जो तख्ती जिसके ऊपर हम गाचनी लगाते थे और उसको फिर शीशे से साफ करते थे और कलम को कट लगाते थे तो वो वाला हैंड राइटिंग वो उसको भी हमें ध्यान में रखना है तो मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट इस टाइम वॉन्डर कर रहा है स्टूडेंट इस टाइम तलाश में है अपने अध्यापक की अपने पेरेंट की स्टूडेंट को टीचर नहीं मिल रहा है स्टूडेंट को पेरेंट से जो टाइम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और दिक्कतें आ रही हैं सुबह चार बजे तक मोबाइल पे होता है बच्चा और सुबह बारह एक बजे तक उठता है और हम कहते हैं कि इसको डिप्रेशन हो गई है उसके लिए काउंसलर्स हम इंगेज कर रहे हैं ये बड़े वरिंग इशू हैं इसके ऊपर हमें री इन्वेंट करना होगा हमें इधर इनोवेशंस हमें करनी पड़ेंगी बच्चे को इंस्पायर करना पड़ेगा बच्चे को मोटिवेट करना पड़ेगा हमें अपने अंदर अध्यापक के बतौरे भी पेरेंट के बतौरे भी और एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर के बतौरे भी बहुत पेशेंस लानी पड़ेगी हमें तो खुद अपने आप को पहले चेंज करना है बहुत परसिवेरेंस लानी पड़ेगी बहुत फोकस लाना पड़ेगा स्टूडेंट के बहुत नज़दीक जाना पड़ेगा सब कुछ हो रहा है लेकिन स्टूडेंट से नज़दीकियाँ नहीं हैं स्टूडेंट से दूरियाँ हो रही हैं और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हमें री करना है आप ये सब कुछ करें मेरा एक ही मैसेज और एक ही कॉल है कि बच्चे के करीब जाएं, बिकॉज जब कोई एजुकेशनल फेलियर होता है तो वो जेनरेशनल फेलियर होता है और मुजफ्फर रजमी जी कहते हैं कि ये जबर भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने ये जबर भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई हमसे ये गलती ना हो थैंक यू वेरी मच